जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम संभालकर की सारी टीम अभी इकट्ठी है। कुछ टीम अभी सो गई है क्योंकि उनकी ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है। तो देख रहे हैं अभी हम आए हैं 900 फ्लोर पे और आज यहाँ पे मोबाइल चेक इन करेंगे कि कोई बच्चा रूम में मोबाइल छिपा के रखा तो नहीं है। जैसा कि सामने देख रहे हैं ये है हमारे पंकज सर और सुखवीर सर और ये रूम के बच्चे आ रहे हैं जो कि इन्हीं का रूम है और इन्हीं के रूम को अच्छे से चेक इन करेंगे। देखते हैं क्या क्या रूम में इनके मिलते हैं। तो ये रहे हमारे सुखवीर सर जो कि सबके चेहरे पे, अंकित भैया, जतिन सर और सबसे प्यारे बच्चों के मुरली जी। और ये हमारा रूम खुल चुका है। तब हमारे सर जा रहे हैं जिनका रूम है उन बच्चे को मिलने के लिए। भाई तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं अभी रूम से किचन भी है वो भी डाकर तरीके से। चाबी लेके आना लेकिन किसी से कुछ नहीं। तो हमारी टीम लगी हुई है और ये एक रियलिटी है। कभी 3 दिन पे एक रैंडम चेक इन होती है, कभी इस हॉस्टल में कभी दूसरे फ्लोर पे, ये चलते रहते हैं चेक इन ताकि बच्चों को हम इन चीज़ों से दूर रखें, मोबाइल, नशा पताई से जो भी चीज़ें होती है जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है। गुरुकुल में एक प्रकार से ये चीज बंद है। ओल्ड हॉस्टल में बुक कार्ड रखी थी जितनी में मोबाइल आ जा जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं ये कवर मिला है फोन का, आईफोन का कवर है। ये बोलो भाई सुनो मेरी बात, आप लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
देख रहा किसी ने भी आके ये बता दिया कि हमको उसने बताया है तो आपको जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को भी बताएंगे आप लोग कोई फाल फाइज नहीं बुलाएंगे। ठीक है ना, वो हमारा आपस का वादा है। तो आप जाओ दूसरे को इसलिए सर दूसरे को पकड़। तो दोस्तों ये रूम में कुछ नहीं मिला, ये बच्चे जांच में सभ्य पाए गए। तो अब चलते हैं 202 की तरफ, 902 की तरफ, देखते हैं कि इनके रूम भी क्लीन है या फिर और कुछ है। तो ये रहा हमारा 902 रूम नंबर जो कि हम वेट